पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स कई तरह के फाइटर्स ऑपरेट करती है, जिसमें Su-27, Su-30 MKK, Su-35S, चेंगडू J-7, J-10 जैसे फाइटर्स शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल सबसे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है रफेल। तो आज की वीडियो में हम चेंगडू J-20, जो चाइना का मोस्ट एडवांस फाइटर है, उसको कंपेयर करेंगे विद रफेल। वैसे चाइना ने J-20 से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया है और पेपर्स पर इसे काफी सुपीरियर स्टेल्थ फाइटर के तौर पर दर्शाया है। तो चलिए इन दोनों फाइटर्स को अलग अलग पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं। बट फर्स्ट लेट्स रोल आउट द इंट्रो। J-20 ट्विन जेट सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, जिसे चेंगडू एयरस्पेस कॉरपोरेशन ने मैन्युफैक्चर किया है। इसे डिजाइन किया गया है एज एन एयर सुपीरियरिटी फाइटर विद प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और इसे US स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-22 से कॉपी किया गया है। वहीं रफेल एक सिंगल सीट ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर है। रफेल को कई तरह के वेपन से इक्विप्ड कर सकते हैं, एयर सुप्रीमेसी, एरियल रिकॉग्नेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन-डेप्थ स्ट्राइक एंड न्यूक्लियर डिटरेंस मिशंस के लिए रफेल को यूज किया जा सकता है। डायमेंशंस की बात करें तो J-20 की लेंथ है 20.4 मीटर, स्पैन है 13.5 मीटर, हाइट है 4.45 मीटर, इसका एम्प्टी वेट है 19.4 टन और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 36 टन। वहीं रफेल की लेंथ है 15.30 मीटर, स्पैन है 10.90 मीटर, हाइट है 5.34 मीटर, इसका एम्प्टी वेट है 10 टन और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24.5 टन। रफेल की टॉप स्पीड है 2130 किलोमीटर पर आर, वहीं J-20 की टॉप स्पीड है 2223 किलोमीटर पर आर। रफेल की रेंज है 3700 किलोमीटर, वहीं J-20 की रेंज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। बस एक्सपर्ट्स ने अपने अपने हिसाब से अप्रॉक्स वैल्यू मेंशन की है, बट ये वैल्यू रफेल से ज्यादा ही है। J-20 में रशियन इंजन लगा हुआ है, जिसके कारण इस फाइटर को वर्ल्ड वाइड काफी क्रिटिसिज्म मिला। J-20 में भी कनार्ड विंग्स का यूज किया गया है, जो कि किसी और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं रफेल में 4 की टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। एक मल्टी डायरेक्शनल रडार जो एट अ टाइम 40 टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है ओवर 100 किलोमीटर, एक अनडिटेक्टेबल पैसिव रडार सेंसर, रिकॉग्नेंस पॉड, ये मैसिव डिजिटल कैमरा है जो किसी भी स्पीड पर फोटो क्लिक कर सकता है विद प्रिसीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर, एंड स्पेक्ट्रा, एन इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर सिस्टम जो एनिमी रडार सिग्नल्स को जाम या काउंटर जाम करता है। रफेल का रडार एंड स्पेक्ट्रा सिस्टम ही एयरक्राफ्ट के टोटल कॉस्ट का 30% है। ऑन पेपर जो भी हो, पर रफेल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है कंपेयर टू J-20। और अगर बात रही स्टेल्थ की, तो इंडियन एयरफोर्स ने कई बार ये क्लेम किया है कि हमारे Su-30 MKI ने J-20 को कई बार रडार पे डिटेक्ट किया है। UAE 2009 मॉक ड्रिल के दौरान रफेल ने F-22 रैप्टर को भी सक्सेसफुली ट्रैक एंड टारगेट कर लिया था। तो इससे ये साफ हो जाता है कि J-20 को ट्रैक करना रफेल के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लास्टली, इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है लोकेशन ऑफ इट्स एयर बेसिस। चाइना के एयरबेस हाई अल्टीट्यूड पर मौजूद है। हाई अल्टीट्यूड पर एयर लेस डेंस होती है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट फुल फ्यूल और वेपन लोड कैरी नहीं कर सकता। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।